ग्लाइकोरिल M1 टैबलेट जो कि बनाई गई है एल्कम लेबोरेटरीज के द्वारा बनाई गई है। इसके अंदर ग्लिम्परेट 1 mg एंड मेटफॉर्मिन 500 mg रहता है और ये एक एंटी डायबिटीज ड्रग है जो कि टाइप 2 डायबिटीज मेलेंटस में यूज़ होने वाला ड्रग है। और ये टैबलेट जो कि 15 गोली का पूरा स्ट्रिप आता है, जिसका MRP की बात करें तो इसका MRP रहता है 159 रुपीज़ रहता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है ड्रग, कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज में सुझा तो कैसे लेने का, और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ताकि ग्लाइकोरिल M1 टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी मेडिसिन से, कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें एक छोटा सा इंट्रो के बाद। ग्लाइकोरिल M1 टैबलेट जो कि बनाई गई है एल्कम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है। ग्लिम्परेट 1 mg एंड मेटफॉर्मिन 500 mg रहता है। 15 गोली का ये पूरा स्ट्रिप रहता है, जिसका MRP 159 रुपीज़ रहता है। तो ग्लाइकोरिल M1 टैबलेट, जिसके अंदर दो दवाई डाली गई है, दोनों ही एंटी डायबिटीज मेडिसिन से, जो कि क्या करती है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलेंटस में यूज़ होती है और कंट्रोल करती है ब्लड के अंदर से शुगर को, जिससे क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलेंटस नहीं होता है। अगर आप इस टैबलेट को ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, कंटिन्यूसली ले रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है, नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकता है। तो जब भी इसको ले तो डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना ले, तोड़ के वगैरह नहीं ले, और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ग्लाइकोरिल M1 टैबलेट काम कैसे करता, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर दो दवाई डाली गई है, ग्लिम्परेट एंड मेटफॉर्मिन। ग्लिम्परेट एक सल्फोनाइल यूरिया टैबलेट है जो कि बढ़ा देती है इंसुलिन को पैनक्रियास के अंदर और ग्लूकोज को कम कर देती है, जिससे क्या होता है कि ब्लड के अंदर से शुगर कम हो जाता है। और मेटफॉर्मिन क्या है कि बाइग्लोनाइड शेद, जो कि क्या करती है कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम करती है लीवर के अंदर और ऑब्जर्शन करने से भी कम कर देती है इंटेस्टिनल के अंदर, और बॉडी के द्वारा सेंसिटिव इंसुलिन को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि ब्लड के अंदर सुक्रोज का कम होता है। तो ऐसे काम करती है टैबलेट। तो इस टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी हो वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।